नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर के बीच घूमने के लिए। ECP बीच हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वैसे तो सिंगापुर अपने आप में एक आइलैंड है, चारों ओर ये बीचों से घिरा हुआ है, लेकिन जो ECP बीच है वो हमारे घर के नज़दीक है, इसलिए हम ECP बीच घूमने आज जा रहे हैं। दोस्तों, दोपहर में हम नहीं निकले क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। 3-4 बजे के समय पर हम ये बस स्टैंड पर खड़े हैं। बस से उतर के हम एक अंडरग्राउंड टनल के द्वारा सीधे ECP बीच पहुंचेंगे। लगभग 300 मीटर की वॉक के बाद हम बीच में पहुंच जाएंगे। उसी वे पर अभी हम लोग जा रहे हैं। बियान मुझे कई तरह की बातें बताते जा रहा है क्योंकि ये कई बार आते रहता है यहाँ बीच पे, इसे आना बहुत पसंद है। बीच में एंटर करते हुए हमें वाटर स्पोर्ट्स देखने को मिले, किस तरह यहाँ लोग वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। बीच में पहुंचते ही हम लोग कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगे जहां हम आराम से बैठ सकें। देखिए कि ट्राइसाइकिल से लोग कितना आनंद ले रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुछ लोग यहां पर रेगुलर जॉगिंग करने आते हैं और कुछ साइकिलिंग करने आते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पिकनिक का आनंद कर रहे हैं और कैंपिंग कर रहे हैं। कई लोग तो अपने छोटे छोटे टेंट भी यहाँ पर लेके आए हुए थे। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना था और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। एक ओर आकाश पूरी तरह काला था, लगता है कि कोई बारिश आने वाली है। फाइनली हमने भी एक जगह अपने बैठने के लिए ढूंढ ली है। दोस्तों, समुद्र का ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। मैं सोच रही हूँ कि आप देख के आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बीच पहुँचते ही हम लोग तुरंत ही पानी में उतर गए और काफ़ी देर तक हम पानी में ही इंजॉय करते रहे। बियान भी बहुत मज़े कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है और अंदर जाने की बातें कह रहा है। दोस्तों, पानी में जाते ही मेरा भी पूरा बचपन लौट आया। बहुत ही इंजॉय किया, गुनगुना सा समुद्र का पानी था, बहुत ही अच्छा लगा। आराम से मैं बैठ गई क्योंकि मैं चेंज करने के लिए भी अपनी एक ड्रेस ले गई थी, तो मैंने खूब इंजॉय किया, बच्चों से भी ज़्यादा इंजॉय मैंने किया। Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. ये देखिए किस तरह से मैंने एंजॉय किया। मेरा तो मन ही नहीं था कि काफ़ी देर तक पानी में खेलने के बाद भी फिर मैं पानी में ही रहूँ, ये मन था। बहुत ही अच्छा लगा।
अभियान ये सैंड में खेल रहा है और खूब सारे सैंड टॉयज लेके अपने घर से ही गया था। कभी उसे बकेट में सैंड को भर रहा है, कभी उसे इधर उधर डाल रहा है, फेंक रहा है, तो इसने खूब इंजॉय किया। हम लोग अपने घर से ही स्नैक्स और डिनर लेके गए थे ताकि हम बीच में खूब इंजॉय कर सकें। और ये होममेड पिज्ज़ा अदिति ने बनाया था और ये पीनट्स की चाट बनाई थी। स्नैक्स में हमने वो खाया और उसके बाद रात के लिए हम पूरा डिनर पनीर की सब्ज़ी और राइस बना के ले गए थे। ये व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है और दूर कहीं छोटे छोटे सिप हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई थी जिससे इंद्रधनुष की छटा दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। शाम होते ही यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ही बढ़ गई क्योंकि ये लोगों ने के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। बहुत सारे लोग आए हैं, कई लोग डिनर कर रहे हैं, सब अलग अलग एक्टिविटी में लगे हैं। बच्चे खूब सैंड से खेल रहे हैं। पिकनिक के साथ साथ कई लोग यहाँ पर काइट फ्लाइंग भी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी है, आकाश में चंदा मामा के दीदार भी हो गए। खूब मौज मस्ती करने के बाद अब हम लोग डिनर के लिए रेडी हो गए हैं। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। दूर ये लाइनिंग जैसी जो लाइट की दिख रही है, ये दूर दूर कहीं सिप खड़े हुए हैं और हमने इसी के साथ अपना डिनर करना शुरू किया। में हम लोग प्लेन राइस और मटर पनीर बना के लाए हैं। बहुत ही यमी मटर पनीर बना हुआ है और बाहर आने के बाद तो इस तरह का घर का खाना और ज़्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। समय करीब रात का 9:30 बज चुका है और यहाँ से अभी हमें बस लेनी है। ठीक है दोस्तों, आप होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी नई जानकारी के साथ नई जगह पर मिलते हैं।